नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बीन कर्ड शेजवान स्टाइल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये एक चाइनीज़ फूड है। बहुत ही यमी होता है ये। जैसे हम वेजिटेबल स्टर फ्राई बनाते हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, बस इसको हमें ग्रेवी वाली बनानी है। बहुत चटपटा, बहुत टेस्टी, बहुत क्विक बन जाने वाला ये रेसिपी है। बच्चे और बड़े दोनों बहुत ही मज़े से खाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। सब्जियों में मैंने लिया है जो जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने लिया है इस ग्रेवी वाले बीन कर्ड में। हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सब्ज़ी डालनी है जो जो उसमें आप खाए होंगे बाहर कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हो, आपका फेवरेट जो हो वो। तो मैंने मेरा फेवरेट यहाँ पे लिया हुआ है जो मुझे इसमें अच्छा लगता है। ब्रोकली लिया है, मशरूम, गाजर, बॉक चॉय का नीचे का हार्ट जो पार्ट होता है वो लिया है। ये हरा मटर स्किन के साथ लिया है, आधा काट लिया है। और ये है फ्रोज़न हरा मटर। गार्लिक है, जिंजर है। गार्लिक एक टेबलस्पून लिया है, बारीक काट लिया है। और इसको मैंने श्रेड कर लिया है, एक टीस्पून है। लेकिन आप सेम ही क्वांटिटी में लेंगे, मैंने थोड़ा कम लिया है अदरक यहाँ पे। और अदरक मैंने किसी किसी को पीसेस में अच्छे नहीं लगते हैं तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे श्रेड कर लिया। अगर मैं आपको पीसेस में अच्छे लगते हैं अदरक तो आप यहाँ पे छोटे छोटे ये भी चॉप कर लेंगे और सेम ही क्वांटिटी में लेंगे, एक टेबलस्पून। ये हो गया सब्जी। और यहाँ पर ग्रीन ऑनियन लिया है मैंने, हरा प्याज बारीक काट करके इसको सेपरेट रखा है क्योंकि लास्ट में काम आएगा ये। और लिया है यहाँ पे तोफू। तोफू मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि तोफू बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसको इतने बड़े बड़े चंक्स में काट लिए हैं। वही मैं फिर बताऊंगी, जो जो आपका फेवरेट सब्ज़ी होगा आप वो इसमें यूज़ करेंगे। इसमें आप पत्ता गोभी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, शिमला मिर्च और ऑनियन और भी बहुत सारी सब्जियां हैं इस जगह पे आप डाल सकते हैं। ये हो गया सब्जी। अब इसमें हमें और बाकी का इंग्रेडिएंट्स ये है हमारा। यहाँ पे शेजवान सॉस ले लिया है, 1.5 टेबलस्पून ले लिया है। ये है हॉट चिली सॉस, रेड चिली सॉस ये लिया है 1 टीस्पून फुल। ये है विनेगर 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून लिया है। क्यों? क्योंकि ये लाइट सोया सॉस है। डार्क सोया सॉस रहेगा तो आप 1 टेबलस्पून लेंगे। और अगर मैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है शेजवान सॉस का, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। और अगर मैं नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ये चाइनीज़ सॉस जो आता है ना, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर, इससे भी बना सकते हैं। ये हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। फिर उसके बाद हमें ग्रेवी थिक करने के लिए चाहिए हमें कॉर्नस्टार्च। मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लिया है। यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम डाल देंगे। मैं यहाँ पे पीनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी यहाँ पे। आप इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज़ करेंगे आप, ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो सारे तेल जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चाइनीज़ फूड में ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तेल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लहसुन और अदरक का कच्चा फ्लेवर खाली निकालना है, रॉ फ्लेवर निकल गया है। अगर मैं आप जिंजर अदरक काट के डाल रहे हैं तो आप इसी के साथ डाल देना, क्योंकि मैं पेस्ट डाल रही हूँ तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो वो जल जाएगा। मैं ब्रोकली डाल दे रही हूँ, आज को अब मैं हाई पे कर दूँगी। और गाजर डाल देते हैं, थोड़ा हार्ड होता है ये, इसको कुछ सेकेंड ही भूनेंगे। अब साथ में ही हम जो अदरक का पेस्ट रखा है इसको डाल देंगे। मैंने कुछ सेकेंड भून लिया है, इसके साथ ही हम डाल देंगे मशरूम और ये बाकी का इंग्रेडिएंट्स जो सब्जी है वो। अब हम फ्रोज़न मटर डाल देंगे। 2 मिनट मैंने भून लिया है इसको हाई फ्लेम पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, आँच को एकदम कम कर देंगे। अब बाकी का इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास शेजवान सॉस है, सोया सॉस, ये सब हम डाल देंगे, विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। तोफू हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि तोफू बहुत सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा, इसलिए हम अभी नहीं डालेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद अब हमारे पास जो ये है कॉर्न स्टार्च है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल करके इसका एक घोल बना लेंगे। अब ये हम कॉर्न स्टार्च जो घोल बनाया है इसको धीरे धीरे हम डाल देंगे इसमें। अब फ्लेम को हाई पे कर दिया है हमने, एक ही साथ में नहीं डालेंगे, और ये हम इसलिए डाल रहे हैं थोड़ा सा ग्रेवी थिक होने के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। एक कप पानी डाल दे रहे हैं इसमें, और ग्रेवी इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना करना है, उस हिसाब से आप डालेंगे। मुझे थोड़ा सा और डालना है। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है टोटल। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा संभाल के डालना होगा क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, तो उस हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको हम बॉईल आने देते हैं। अब इसी के साथ में ही, अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, अब इसी के साथ में ही हम ये टोफू डाल करके हमें इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। और सब्जी यहाँ पे जो मैंने 2 मिनट तक भून के ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे डाला है, वो कितना कुक करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। किसी किसी को बहुत ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं होता है तो थोड़ा सॉफ्ट कर सकता है उस जगह पे। मैंने क्रंची ही रखा है क्योंकि चाइनीज़ फूड है। चाइनीज़ फूड में जब तक सब्जियों में क्रंचीनेस नहीं रहता है तब तक उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता है। अभी सब इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेना है। 2 मिनट मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें हमारा जो ग्रीन ऑनियन है ये डाल दूंगी, जो काट के रखा था। थोड़ा सा इसके स्टीम से, इसके जितना हीट है ना उससे एकदम अच्छे से पक जाएगा। और ये हमारा बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसनेस थोड़ा सा कम है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून फुल डाल दे रही हूँ चिली फ्लेक्स। बस हम आँच को बंद कर देंगे, हमारा ये रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा बीन कट शेजवान स्टाइल बनकर रेडी हो गया है विद राइस। इसको राइस के साथ खाते हैं ना, जब बाहर आप लेने जाएंगे ना तो वो लोग जैसे ये जास्मिन राइस होता है उसके साथ लेते हैं, या जापानी राइस होता है, मीडियम ग्रेन राइस। इसकी रेसिपी जो राइस ये है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। नहीं अगर में ये सब राइस है तो नॉर्मल राइस बना के उसके साथ ही इसको इंजॉय कर सकते हैं। बट बहुत ही यमी और टेस्टी ये बना हुआ है, इस तरह से आप लोग भी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। बाहर से कम ये घर पे नहीं बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना है। इस तरह से आप लोग भी बीन कर शेजवान स्टाइल बनाकर घर पे एकदम इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बाहर जैसा टेस्ट बहुत, क्या बताऊँ, एक बार ज़रूर बनाकर आप लोग ट्राई करना। ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना कि कैसा बना था। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा, सुपर हेल्दी है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और जो नए हो चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।